उस वक्त की बड़ी खबर आ रही है चंडीगढ़ से। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पीएम मोदी से मांग की है पंजाब का ऑक्सीजन कोटा बढ़ाकर 300 मीट्रिक टन करने की मांग की गई है। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पीएम मोदी को दी है जानकारी कि प्रदेश में ऑक्सीजन वैक्सीन की कमी है और समय पर पर्याप्त वैक्सीन पंजाब को उपलब्ध कराई जाए। तो उस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। एलएमओ कोटा बढ़ाने के लिए केंद्र की मदद की जरूरत है, ज्यादा ऑक्सीजन टैंकरों की सप्लाई के लिए केंद्र की मदद की जरूरत है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं चंडीगढ़ से। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की है पंजाब का ऑक्सीजन कोटा बढ़ाकर 300 मीट्रिक टन करने की मांग की गई है। और सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पीएम मोदी को जानकारी भी दी है कि प्रदेश में ऑक्सीजन और वैक्सीन की कमी है। आशीष अग्रवाल एडिटर पंजाब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की है कि ऑक्सीजन का कोटा जो है वो बढ़ाया जाए और वैक्सीन की भी कमी उन्होंने बताई है पंजाब में। बिल्कुल मोनिका, देखिए मैं आपको बता दूं कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह लगातार केंद्र सरकार से ये मांग कर रहे थे कि पंजाब का जो ऑक्सीजन कोटा है वो बिना देरी के बढ़ाया जाए, क्योंकि पंजाब में ऑक्सीजन की खपत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मरीजों की संख्या में इजाफा होने के कारण जितनी ऑक्सीजन पंजाब को रोजाना अलॉट हो रही थी वो कम पड़ रही है, और इसी वजह से वो लगातार जो है ये केंद्र सरकार से मांग कर रहे थे। इसके साथ ही जो दूसरा अहम विषय था वो वैक्सीनेशन का था। पंजाब में अभी तक 18 से 45 साल तक के जितने भी लोग हैं उनका टीकाकरण शुरू नहीं हो पाया, क्योंकि समय पर वैक्सीनेशन की जो डोज है वो पंजाब को नहीं मिल पाई थी। हालांकि अब 1 लाख डोज आई है और कल से टीकाकरण शुरू होने की पूरी संभावना है, लेकिन मुख्यमंत्री ने मांग की है आज प्रधानमंत्री से बैठक के दौरान कि पंजाब को समय पर वैक्सीनेशन उपलब्ध कराई जाए, क्योंकि 45 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनके लिए भी वैक्सीनेशन अब कम पड़नी शुरू हो गई है, और ऐसे में पंजाब की जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। हालांकि पंजाब सरकार अपने स्तर पर सभी प्रयास कर रही है कि कैसे स्थिति पर काबू पाया जाए, कैसे लोगों की ज्यादा से ज्यादा मदद की जाए, मगर संकट इस तरह से विकराल रूप लेता हुआ नजर आ रहा है कि अगर स्थिति को संभालना है तो तमाम संसाधन जो है वो पंजाब सरकार को लड़ने के लिए जरूरी है। तो ऐसे में आज कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी से जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक हुई है उसमें ये सभी बातों का जिक्र करते हुए मांग की है कि पंजाब को तमाम जरूरी संसाधन बिना देरी के उपलब्ध कराए जाए और ये इंश्योर किया जाए कि पंजाब को ऐसे संसाधनों के लिए बार बार जूझना नहीं पड़ेगा, केंद्र सरकार से मदद मांगने के लिए बार बार रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी। आपको मैं ये भी बता दूं कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने 2 दिन के अंदर 2 बार केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखा था, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा था, गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा था, लेकिन जब कोई जवाब नहीं आया तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब के सांसदों से भी मदद मांगते हुए केंद्र से बातचीत का आह्वान किया था। लेकिन आज जब मोदी के साथ बैठक हुई है प्रधानमंत्री मोदी के साथ, तो एक पंजाब को उम्मीद जगी है कि अब प्रधानमंत्री पंजाब को और पंजाब की स्थिति को गंभीरता से लेते हुए जितनी जरूरत है मदद की और जितने संसाधन पंजाब सरकार को कोरोना से लड़ने के लिए चाहिए वो तुरंत और बिना देरी के उपलब्ध कराएंगे। मोनिका, चलिए शुक्रिया आपका आशीष तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।